दोस्तों वीडियो जरूर देखें, सिर्फ 2 मिनट की है, नहीं तो आप लोग पछताओगे। क्योंकि आजकल बहुत सभी बीमारी जो है वो होती है, तो बीमारी के बारे में जरूर आप जान लीजिए, बीमारी तुरंत हटाइए अपने शरीर से। सवाल नंबर 1, पेशाब रोग से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, पेशाब रोग से छुटकारा पाने के लिए खाना जो है वो जांच करके लेना चाहिए। जो लोग खाना जांच करके नहीं लेते हैं उन्हीं लोगों को तरह तरह की बीमारी होती है, और पानी भी जांच करके पीना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 2, कहीं आने जाने पर उल्टी क्यों होने रहा है वो पता नहीं चलता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, खराब खाना के चलते उल्टी होती है, इसीलिए खाना के साथ में हरा मिर्च और नींबू निचोड़ करके खाएं, इससे जो है वो आने वाला प्रदूषण जो है वो कट जाता है और मिट जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 3, घी या दूध खाने से क्या फ़ायदा मिलता है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, की जानकारी आप तक मिले। दोस्तों इसका सही आंसर है, घी या दूध खाने से शरीर में किसी प्रकार के रोग जल्दी उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जंगली गाय का दूध जो है वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जो लोग जंगली गाय का दूध पीते हैं उनको बायां अंग में फलेरिया होता है और बायां अंग में फालिस मारने की संभावना बना रहता है, इसीलिए दोस्तों सावधान आप लोग रहें। सवाल नंबर 4, ठंडा के मौसम में लोग ज़्यादा ऊपर क्यों चले जाते हैं धरती छोड़ करके? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका सही आंसर है, रात में ज़्यादा खाना खाने के कारण लोग ऊपर चले जाते हैं सुबह में, ठंडा के मौसम में, इसीलिए रोटी हो या चावल पेट से थोड़ा कम ही खाना चाहिए, और सब चीज़ पे ध्यान जरूर देना चाहिए। लेटिन पेशाब जब भी लगे तब भी जाना चाहिए। सुबह के समय में जो लोग लेटिन जाने में देरी करते हैं वही लोग जो है ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए लेटिन लगे पेशाब लगे ठंडी के मौसम में जब भी लगे तो अस्कत नहीं करना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए दोस्तों बिस्तर छोड़ करके। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, कि जानकारी जो है आप लोग के पास तक डायरेक्ट मिले। थैंक यू दोस्तों।